दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में बेहतरीन खिलाड़ियों की कभी भी कमी नहीं रही। वर्तमान समय में भी भारतीय टीम के पास एक से बेहतरीन एक खिलाड़ी हैं जो टीम को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वर्तमान समय में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल करना बेहद जरूरी होता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं 5 ऐसे चुनिंदा युवा खिलाड़ियों पर जो भविष्य में भारत के स्टार खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देवदत्त पड्डीकल। आईपीएल 2020 के सीजन से पहले ज़्यादातर लोग देवदत्त पड्डीकल का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन पड्डीकल ने इस आईपीएल सीजन में आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में 14 के 14 मैच खेले और उनमें 33.7 की औसत से कुल 472 रन अपने नाम कर लिए, जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। और इस आईपीएल सीजन में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में चौथे स्थान पर रहे, इसलिए उनकी इसी बेजोड़ तकनीकी बल्लेबाजी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पड्डीकल आने वाले समय में भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज हो सकते हैं। कमलेश नगरकोटी। कमलेश नगरकोटी भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जहां वे शुभमन गिल और पृथ्वी शो जैसे खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट के स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। विश्व कप में उन्होंने 6 मैचों में 9 विकेट लिए और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी भी की। उनकी गति और सटीकता ने क्रिकेट बिरादरी के प्रत्येक व्यक्ति को काफी प्रभावित किया था। हाल ही में उन्होंने आईपीएल में भी लाजवाब प्रदर्शन किया और सभी को प्रभावित किया। अपने इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर वे आने वाले समय में क्रिकेट पर राज कर सकते हैं। सुरेश अय्यर। 25 वर्षीय सुरेश को भारत के भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। आईपीएल में वे दिल्ली टीम का नेतृत्व करते हैं। अय्यर उन युवा खिलाड़ियों में से एक हैं जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में और हर तरह की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने की अक्षमता रखते हैं। अय्यर इस समय भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं और उन्होंने अब तक भारत के लिए 18 वनडे मैचों की 16 पारियों में लगभग 50 की औसत से कुल 748 रन बनाए हैं। ऐसे आंकड़ों की रोशनी में चयनकर्ताओं के लिए इस युवा बल्लेबाज को अनदेखा कर पाना नामुमकिन बात है। आने वाले समय में अय्यर भारत के स्टार बल्लेबाज बनकर उभर सकते हैं। शुभमन गिल। शुभमन गिल भी साल 2018 का अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। मोहाली में जन्मे इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को विश्व कप जिताने में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता था। हाल ही में उन्होंने आईपीएल 2020 के सीजन में भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए इस बात में अब कोई शक नहीं है कि गिल आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार होंगे। पृथ्वी शो। अपनी बेजोड़ बल्लेबाजी तकनीकी और कौशल की वजह से पृथ्वी शो की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर के साथ की जाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। पृथ्वी ने अभी तक अपने करियर में खेले 4 टेस्ट मैचों में 55.8 की शानदार औसत के साथ कुल 335 रन बनाए, जो कि उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। पृथ्वी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिकॉर्ड असाधारण है और उन्होंने 18 मैचों में 60 से अधिक की औसत के साथ रन बनाए हैं, जिनमें 8 शतक भी शामिल हैं। साल 2018 में उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 विश्व कप का खिताब भी जिताया था। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को उनसे भविष्य में सचिन की विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।